मुहर्रम को लेकर गोरखपुर में निकला जुलूस। आपको बता दें, गोरखपुर मुहर्रम की सातवीं तारीख को जंगल मदीना हुसैन अहिसे सालाम की याद में जुलूस निकाला गया, जिसके नेतृत्व में सहराज अहमद खान समाज सेवक एवं पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 ने किया। जुलूस के साथ गुलशन ईद मदीना मस्जिद के सदर जाफर अली मंसूरी मौजूद रहे। साथ में मुख्य खिलाड़ी मोहम्मद दिलसाद मोहम्मद इरशाद मोहम्मद इकबाल गास्किन अली उर्फ बड़े मोहम्मद रज मोहम्मद फैज आदि लोग भी मौजूद रहे। जुलूस जंगल मदीना से हुई तिरहा होते हुए गोर्धन पुल तक गया, वहीं से पादरी बाजार होते हुए अपने रोड जेल बाईपास वापस मस्जिद तक लौटा। वहीं सरोज अहमद खान ने इंसानियत का पैगाम देते हुए कहा कि इस्लाम का अमन और शांति का मजहब है और इमाम हुसैन की शहादत में हमें याद दिलाते तो भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। वक्त बड़े तो एक दूसरे के साथ चैन व अमन के साथ दोस्ती भी निभानी चाहिए। सरोज ने बताया कि इस पर्व में अपने को याद कर दिल से उनके उसका कारनामे को सलाम करते हैं, जिसकी वजह से आज एक दूसरे के प्रति प्यार है और हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूं। कहीं ना कहीं मुहर्रम जो कि रंज और गम का त्यौहार है। जी बिल्कुल, गम का त्यौहार है। इमाम हुसैन का गम हमारे दिलों में आज भी जिंदा और हमेशा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला और हमेशा हम इस मुहर्रम के महीने में इस्लाम हमारा जिंदा हुआ था, इसलिए हम इस मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं। और शो मतलब इस्लाम जिंदा होने का मतलब यह है कि आज हमारी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बानी होने के बावजूद आज उनको याद करने वाले करोड़ों में, लेकिन यजीद का नाम लेवा दुनिया में कोई भी नहीं। जी कुछ कहना चाहेंगे सामाजिक समन्वय पे? बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम एकता का पहचान है और इस्लाम का नाम ही है अमन, और बहुत से लोग हमारे अभी इसी में भाई हैं जो तहिया बनाते भी हैं और तहिया के साथ चलते भी जो हिंदू भाई हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं। जी क्या कुछ ऐसा उम्मीद जताना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी योगी सरकार से मांग है कि अगर वो कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसा रही है तो कम से कम उनका गोरखपुर शहर है, गढ़ है, यहाँ भी कम से कम मुहर्रम के जुलूस पे कहीं ना कहीं फूल बरसाने की कृपा कर दें, कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का वो परिचय दे दें कि हाँ हिंदू मुस्लिम एकता आज भी जिंदा है। अंतिम तौर पे यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रशासन की सारी गाइडलाइन को हम मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि प्रशासन हमारा सहयोग करे और जुलूस को उचित तरीके से ले जाएंगे। बिल्कुल।